Hello everyone. This question appears in Class 6th NCERT chapter of decimal. This is third question of its exercise 8.4. So the question says that express as centimeter using decimals. So yahan pe relation hota hai 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So 1 millimeter equal to ho jayega 1 by 10 centimeter. So part A is 5 millimeter. So, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 by 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 10 है 10 है सो 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे हो जाएगा सेंटीमीटर पार्ट बी इज 60 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1 by 10 सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर पार्ट सी इज 164 मिलीमीटर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 by 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 10 है सो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल प्लेस करेंगे सो ये हो जाएगा आपका 16.4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर सो 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 by 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 9 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर एंड पार्ट ई इज 93 मिलीमीटर सो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 1 by 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो जगह आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल प्लेस करेंगे 9.3 सेंटीमीटर थैंक यू